वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया, जिसका सीधा प्रसारण जनपद के एनेक्सी भवन में किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रसारण खत्म होने के बाद प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री तथा जिले के प्रभारी रमापति शास्त्री ने एनेक्सी भवन के सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा 108 महिला तथा पुरुष नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के ऊपर भारत के नवनिर्माण की जिम्मेदारी है तथा आप सभी को एक माली की भांति बच्चों को निखारना होगा और उनका सर्वांगीण विकास करना होगा, क्योंकि यही बच्चे कल के नागरिक हैं और इन्हीं के ऊपर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है और आप सभी अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा हर शिक्षा की रीढ़ होती है, इसलिए आप सभी प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाएं और बच्चों के नैतिक चारित्रिक विकास पर ध्यान देते हुए सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को एक कुम्हार की भांति निखारना होगा। नियुक्ति पत्र पाने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन के लिए सीएम योगी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सीएम योगी जो कहते हैं वही करते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीएसए रमेंद्र सिंह, सदर सांसद रवि कृष्ण शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, खजनी विधायक संत प्रसाद, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे सहित नवनियुक्त शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनियुक्त शिक्षिका ज्योति मोदनवाल एवं सुमैया बानो और प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री तथा जिले के प्रभारी रमापति शास्त्री ने कहा। को पालन करते हुए सर की तरफ से निर्देश जारी किया गया है, हम अपने हृदय के अंतस्तल से ईश्वर के समक्ष साक्षी मान करके परमपिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं प्रभारी मंत्री गोरखपुर एवं मंच पर उपस्थित माननीय सांसद प्रशस्त हो सके, प्रत्येक पद पूरे हो, समाजित हो, इसी आकांक्षा के साथ माँ सरस्वती बागीशा के चरणों में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आज के कार्यक्रम माननीय महापौर नगर एवं रिस्पेक्टेड सीईओ सर तथा परिवार के संरक्षक रिस्पेक्टेड Thank you.
जिसमें सभी संसाधनों के साथ अपने आप को 24 घंटा झोंक कर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में हम सभी ने उत्तर प्रदेश में कोविड का इतना शानदार प्रबंधन किया है कि उसकी सरकार के द्वारा अभियान के माध्यम से अधिक सतत प्रक्रिया के द्वारा व्यापक सुधार की सफलता पाई जाती है। मुझे याद है कि जब हम सरकार ने 2017 को सरकार ग्रहण किए थे, माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चल रही थी और परीक्षाओं के दौरान पिछले शिक्षा व्यवस्था के साक्षरकाल की थी, उनके नकल का बोल ज्यादा था और छोटी छोटी जो मेटा लोग करते हैं उन्हें घर से नकल सामग्री एक ही स्कूल से पकड़ी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद निर्देशन में नकल विहीन परीक्षा का संपादन हो सके, इसके लिए जो प्रयत्न किए गए सीसीटीवी कैमरे सारे विद्यालयों में लगे, सारे विद्यालयों का जीर्णोद्धार हुआ, इसके लिए मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए, ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हुआ और एक जो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सेंटर कंट्रोल रूम था उसका निर्माण हुआ और नकल विहीन परीक्षा संपादन हुई। दूसरों की नियुक्तियां पर तालियां बजाएंगे तो आपकी तरीके से संबंध करने के लिए
योगदान देने के लिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति कितनी दयनीय है। एक लाख 35,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय पूरे प्रदेश में थे, लेकिन उन विद्यालय की स्थिति तो दयनीय है। भवन चर्चा के भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो छात्र नहीं है, छात्र है तो वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और अगर छात्र है भी तो उनके पास न यूनिफॉर्म होती थी, नंगे पैर गांव के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। नमस्ते भैया, पूरा बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग और इसके माध्यम से तमाम प्रकार की गतिविधियां वहां संचालित होने लगी थी, जो शिक्षा के सबसे बड़े कौन थे। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण न्यायालय को भी इसको बार बार स्टे करना पड़ा था, और भर्ती रिकॉर्डिंग थी तो प्रदेश के कुछ बैंक ऐसे थे जो वसूली के लिए भी निकल रहे थे, कुछ खानदान और कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी आजीविका का जरिया हो गया था। उसका प्रभाव प्रदेश के युवाओं पर पड़ता ही था, लेकिन उसके दुष्परिणाम से पूरे प्रदेश को उसके दुष्परिणाम को झेलना पड़ा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार अपने कार्यकाल के 52 महीने यानी 4 वर्ष 4 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है, तो 4 वर्ष 4 महीने के पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक भी नौकरी पर कोई सर्वे नहीं कर सकता। भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठापूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुई है। आप लोगों ने बहुत गौर से सारी बातें सुनी, हम लोगों के लिए कुछ कहने के लिए बचा नहीं, बस यही कहूँगा कि बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग कि ऐसी सरकार में आप लोगों को निष्पक्ष, निस्वार्थ और एकदम पारदर्शी तरीके से जॉब मिला शिक्षा। मैं भी सरकारी स्कूल से हूँ, जौनपुर के एक ऐसे स्कूल से जहाँ पर कहीं ठीक से शिक्षा नहीं मिली थी, पढ़ने की लग थी तो पढ़ गया, हमने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की तरफ कैसे भी खींच तान के हम पहुँचे, हमको कभी किसी ने ठीक से पढ़ाया नहीं। गुरु मेरे पिताजी रहे, तो बड़ी दिक्कत हुई लाइफ में, जब मैं पार्लियामेंट में रहता हूँ तो सब स्वयं की पढ़ाई स्वयं को जान के ही किया, लेकिन आप लोगों के आज 55 male 53 females और सारे अकाउंट्स आपको पता चले कितने लोग आज पूरे प्रदेश में एक शिक्षक बन के आ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं एक अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे से सबको पढ़ाइएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन की भी बातें पूज्य महाराज जी ने कही, और पूज्य महाराज जी का बहुत फोकस रहता है एजुकेशन को लेकर, उनकी व्यवस्था क्या है पूरा देश जानता है एजुकेशन को लेके, वो कितने सेंसिटिव हैं वो, क्योंकि जहाँ समाज जब एजुकेट होगा, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत भेद दृष्टि से देखा जाता था जब मैं बम्बई में था, इसको मुंबई लोग कहते हैं, बिकॉज उनको लगता था कि यहाँ सारे अनएजुकेटेड लोग हैं, सारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, सारे माफियाज यहाँ रहते हैं, और मुझे बहुत दुख होता था।
तो आज आप लोगों को ऐसा मौका है जब आप लोग जाएंगे कि आप लोग न जाने कितनों को बनाएंगे। अटीम महोदय भी किसी देहात से ही पढ़ के अपने साउथ से आके आए हैं, तो उनको एक अच्छे टीचर्स मिले होंगे। डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी ने भी कहीं अच्छा एजुकेशन लिया होगा। तो डॉक्टर प्रशांत कुमार चौरसिया सनौ, श्री हेमंत कुमार सनौ, श्री राजेश्वर, सचिन कुमार रावत जी सनौ, अमरनाथ पांडे, माधुरी त्रिपाठी, डॉक्टर ऑफ श्री जयशंकर त्रिपाठी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप सबसे सादर अनुरोध है कि अपने जगह पर बैठ जाएं। हमारे टीम का अपनी टीम को आज बेसिक शिक्षा परिषद परिवार नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का प्रदान किया जा रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि प्रभारी मंत्री गोरखपुर श्री रमापति शास्त्री जी की एक सानिध्य में सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में एकल कमलों से बेसिक शिक्षा परिषद परिवार के नवनियुक्त शिक्षकों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम लोगों को जाना है। इसलिए मैं ये बात कह करके अपनी बात खत्म करूँगा, आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर में आज लोग पूरे प्रदेश में बन रहा है 6,696। गोरखपुर में केवल 108 जिसमें 55 पुरुष और 53 महिलाएं हैं। मैं इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस व्यवस्था के साथ आप सबकी नियुक्ति हुई है, उसी मेहनत से आने वाले पीढ़ी के लोगों को संस्कार रूपी व्यवस्था करके उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ। बहनों को विशेष रूप से करते हैं कि आप सबका बच्चों को पालने पूछने का और व्यवस्था कराने का हम बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि आजकल की शिक्षा में और पुराने जमाने की शिक्षा में बड़ा अंतर हो गया था, लेकिन उसी को पूरा करने के लिए आप सबसे आग्रह है, ज़्यादा बहादुर जी के नाम बहुत आग्रह है कि सब लोग मिलकर के इस प्रकार से शिक्षा के जगत में जो धारस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, हम लोग उसको पूरा करके आने वाले पीढ़ियों को आगे भूमिका के साथ ले जाएंगे। ये हमारी कामना है, आप सबको पूरा बधाई धन्यवाद। जो एक कर्मचारी के रूप में अध्यापक रह गया है, जबकि अध्यापक का रोल समाज में सबसे बड़ा होता था, अध्यापक का कर्तव्य समाज में सबसे अच्छा होता था, तो पुनः अगर अध्यापक की उस गरिमा को वापस करना है, अगर उस डिग्निटी को पुनः स्थापित करना है समाज में, तो सभी अध्यापकों को एकजुट होकर समय पर विद्यालय पहुँचना है और जो भी शासन की नीतियाँ हैं जो भी वहाँ पर आपको पाठ्यक्रम दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी पढ़ लिखकर और अच्छी परीक्षा पास करके आए हैं, तो उस परीक्षा का जो पास करके आए हैं उसका मूल्यांकन आपका तभी आप एक अच्छे अध्यापक माने जाएंगे जब आप फॉलो अप एक्टिविटी जब होगा और आपकी विद्यालय के जो बच्चे अच्छे होंगे, आपका विद्यालय अच्छा होगा। जब आप स्कूल में जाएंगे तो बहुत ऐसे शासन के द्वारा जो नीतियाँ निर्धारित की गई हैं हम लोग उसका इम्प्लीमेंट करवाते हैं, आप अपने पुराने अध्यापकों से भी सीखिएगा, पुराने अध्यापकों में भी बहुत बदलाव आया है। अब कुछ अध्यापक हैं जो भी इस व्यवस्था में वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं,
लेकिन मेरा उनसे भी आज मैं यहाँ से पूरे जनपद गोरखपुर के शिक्षकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी बदलें अपने आप को, क्योंकि जब तक सभी अध्यापक नहीं बदलेंगे तब तक पूरा विभाग नहीं बदल सकता है। अध्यापकों को सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि अपने आप को चेंज करना होगा, वो एक कर्मचारी के रूप में ना हो बल्कि वहाँ विद्यालय के वो एक अभिभावक समझो, क्योंकि जो बच्चा अपने पास पढ़ने आता है उनके माँ बाप अब जानते हैं कि बहुत ही मतलब उनका इकोनॉमिक सेक्शन से होते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपके ऊपर उनकी पूरी निर्भरता होती है, आप उनके बच्चों को जिस रोल में चाहें उस रोल में ढाल दें। मेरा यही अनुरोध है और मैं अपना उस टीम को बधाई देना चाहूँगा, ये हमारे पुराने अध्यापक हैं और जितने भी हमारे यहाँ शिक्षा अधिकारी हैं DC हैं, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संचालित हुआ। आप लोग पूरी तन्मयता और पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहे, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा संचालित हुआ। मैं अपना नवागंतुक शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे जीवन में अनुशासन का भाव जगा सके, जब हम स्वयं अनुशासित होंगे तो हम जिस विद्यालय में जाकर के खड़े होंगे, कहा जाता है। ज्योति मदनवाल, अरे सर हम पिछले 2 साल से इस नियुक्ति पत्र मिलने के लिए बहुत परेशान थे, आज मुझे जो मिला है नियुक्ति पत्र उसके लिए मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। और इस सर गोरखपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। सर मैं कितनी खुश मैं बता नहीं सकती, वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ इस नियुक्ति पत्र पाने के लिए। मैं सर 2 साल इतने मेहनत की थी, शायद मैं सोची थी कि मैं पास आऊँगी, मैं नौकरी पास आऊँगी। सर पिछली बार ऐसे भर्ती निकला था जब 69 का फर्स्ट लिस्ट में, तो मेरा सर हो नहीं पाया था, तो मैं सोच रही थी मेरी पॉइंट से छट गई थी। सर इस बार जब थोड़ा मैं इसमें चयनित हो गई मुझे इतना अच्छा लगा मैं सच में बता नहीं सकती सर, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर सो मच। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिए, और मेरी ज़िंदगी का समझ लीजिए सब कुछ सवार दिए, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया जो हम मतलब सेलेक्ट हो गए हैं इसमें, सरकार बहुत अच्छे हैं। आजमगढ़ जिले के सर निवासी हैं, गोरखपुर जिले में। सुमैया बानू, नियुक्ति पत्र मिला है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इतने दिन से इंतज़ार करते करते लास्ट में हमको हमारी उम्मीदों का फल मिल ही गया। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि जिस कड़ी मेहनत के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हमने कंपटीशन निकाला था, उसी जोश के साथ इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे, बच्चों के लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी करेंगे। सरकार के लिए क्या? सरकार योगी जी की बहुत बहुत बड़ी आभारी, उनको बहुत ग्रीट करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा को सम्पन्न कराया, इस भर्ती को सम्पन्न कराया, और जहाँ पे हमको मतलब ही इज़ द मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आजमगढ़, मेरा सिलेक्शन यही गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर में 108 नियुक्ति पत्र वितरण की व्यवस्था है, 55 जिसमें 55 पुरुष और 53 महिलाएं भी हैं, सामंजस्य बराबर का है, पुरुष और महिलाओं का भी सामंजस्य बराबर का है, क्योंकि जब ये दोनों लोग मिलकर के चतुर्भुजी होकर काम करते हैं तो काम अच्छा बढ़ता है, आगे बढ़ता है। हमारे योगी जी के सरकार में पारदर्शिता के साथ सबकी नियुक्ति हुई है और ये लोग जा करके अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, ये हमारी आशा है और शुभकामनाएं।